तो यार दगड़ियो, आप बोलते थे ना रोज ही एक ही वीडियो हो रही है, एक ही वीडियो हो रही है, कुछ नया दिखाओ, कुछ एक्सपेक्टेड दिखाओ। तो ये देखिए फूलों की घाटी, तो कितना सुंदर है फूलों की घाटी, देख सकते हैं। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहलाग। अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं बुरु बृथवाल उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दगड़ियों, सोच रहे हो ना मैं कहां हूं, अभी कौन सी जगह पर हूं, ये कौन सा जंगल है, कहां जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं, ये सारा चीज आपको आगे आगे दिखाऊंगा। तो यार दगड़ियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सुरक्षित होंगे और मेरी वीडियो देख के आपकी प्यारी सी स्माइल में, स्माइल भरी फेस में प्यारी सी स्माइल जरूर आई होगी। तो यार दगड़ियों, अभी मैं बहुत थकान फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर पहुंच चुका हूँ। अभी मुझे मॉर्निंग से वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, सीधे उठे थे, नहाया धोया, हाथ में धोया, नाश्ता किया और फिर सीधे आ गए थे, रास्ते में लग गए थे हम। तो अभी हम एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ दोस्तों, जो आप देख के बहुत मजा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ जाना सपना होता है, सपना। तो यार दगड़ियों, मैं अब झोंक नहीं लगाए, तो यार अभी दगड़ियों, अभी मैं जा रहा हूँ खलिया टॉप, जो कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है यहाँ जाना, ठीक है। तो अभी मैं पहुंचा हूँ, रास्ते में पहुंचा हूँ, यहाँ पे बाण बूबू का मंदिर है। तो पीछे से डॉन लोग आ रहे हैं, वो काफी पीछे रह गए हैं। तो मैं वहाँ काला मुनि क्यों जा रहा हूँ मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि काला मुनि जो बोला ऊपर हो खलिया टॉप, क्योंकि वहाँ हमारी बकरियां वगैरह रहती है ना, तो जो वहाँ बकरी चराते हैं चचा लोग, तो वो वहाँ उनके पास राशन छोड़ने के लिए हम जब जा रहे हैं। तो यार ये है मेरा राशन, कौन गया ये कट्टे में, कम से कम 25 से 30 केजी है इसमें। और देख सकते हैं यार आज का नजारा, बिल्कुल बादलों के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, आनंद आ रहा है, काफी आनंद आ रहा है। और आपको इतने प्यारे प्यारे आज वीडियो देखने को मिलने वाले हैं, क्या है कैसा है वहाँ सारा चीज दिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना। तो दगड़ियों, ले चलता हूँ मैं आपको एक हसीन वादियों में खलिया टॉप की तरफ, ठीक है। तो जुड़े रहे ब्लॉग के साथ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलो, दगड़ियों आपने बोला था ना मुझे कहीं दूर ले चलो, कहीं घुमाने ले चलो, तो मैं आपको आज लेके आया हूँ खलिया टॉप के इन हसीन वादियों पे। और डॉन अपना वीडियो बना रही है, देख सकते हैं। और मैं भी अपने चैनल के लिए लगा पड़ा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और डॉन अपने चैनल के लिए ऊपर पे मेहनत कर रही है। तो यहाँ के ज्यादा सारे वीडियोज में डॉन के चैनल में देखने को मिलेंगे, मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो भी बहुत प्यारे प्यारे वीडियो बना रही है। और यहाँ देख सकते हैं बादल कैसे आ रहा है, बिल्कुल समंदर से जैसे भाप नहीं उठता, स्यू 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 करके, वो काफी मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है यार दोस्तों। तो यार कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप, मजा आ गया, ऐसा लग रहा है जन्नत की सैर हम कर रहे हैं। तो मजा ही आ गया यार दोस्तों, आज मजा ही आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भर भर के कमेंट करो। अगर आपको यहाँ आना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ जरूर घुमाऊंगा इन हसीन वादियों में। तो यार दगड़ियों, इन हसीन वादियों में यहाँ लोग भी रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ रोड है ना, लाइट है, फिर भी यहाँ लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है ना, लोगों को रहने में मजबूर हो जाते हैं, या फिर अपने परिवार को पालने के लिए। और सबसे बड़ा मेन कारण है यहाँ रहने का इस पापी पेट का सवाल, ठीक है। जो पापी पेट है ना, इस पापी पेट के लिए लोग कुछ न कुछ कर ही जाते हैं यार दोस्तों, बहुत तगड़ा सीन होता है। मतलब पापी पेट के लिए मैं भी यही कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाह, ऊपर देखो बादल है, डॉन को देखो, ये बादलों में छिप गई धीरे धीरे। वाह, ये डॉन छिप गए आप। हाँ, मैं पेट के लिए कर रहा हूँ, आप तो मतलब व्यूज वगैरह दिखाने के लिए कर रहे हो यार, लोगों को प्राकृतिक सौंदर्यता को, मतलब सौंदर्यता को दिखाने के लिए तो डॉन वीडियो बना रहे, मैं तो अपने पेट के लिए कर रहा हूँ भैया, साफ सी बात है। कोई बंदा किसी चीज के लिए नहीं करता। अब इसको इसके मतलब ऐसा है ना, इसका जैसे सब्जेक्ट भी है, कॉलेज में भी चलता है ना डॉन का, तो
उनके टीचरों ने भी मतलब इनको प्रोत्साहित कर रखा है कि अपने कल्चर को बचाओ, अपने पहाड़ों को बचाओ करके। मैंने तो कभी स्कूल गया ही नहीं, अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो ना क्लासेस भी बंक मारने वाले हुए हम तो बचपन में नहीं यार, कॉलेज में मारे लेकिन स्कूल में नहीं मारे, ठीक है। तो हम ज्यादा क्लास में गए नहीं, क्योंकि हायर क्लास में क्या होता है ना, मतलब अपने को बचाना, अपने प्राकृतिक सौंदर्यता को बचाना, अपने कल्चर को बचाना, पर्यावरण को बचाना, ये चीजें सिखाई जाती है, वो भी बड़े प्यार से, ठीक है। मैं तो यार ऐसे ही भटकू आदमी ठहरा, भटकता हूँ थोड़ा और घुमाता हूँ आपको, दिखाता है बढ़िया करके, ठीक है, मस्त करके। गाड़ियों, यहाँ तो हम घूम लिए हैं, अब घर जाने का समय भी हो रहा है, क्योंकि गाड़ी मिलेंगे नहीं हमको। तो यहाँ बादल ही बादल, कोहरा ही कोहरा हो रहा है, ज्यादा तो मैं क्या ही दिखाऊं आपको, कुछ नहीं दिखा सकता यार इसके अलावा आपको, क्योंकि यहाँ पूरा बादल है। अब अगली बार आएंगे, यहाँ के फूल वगैरह तो आपने देख ही लिए हैं, तो जब अगली बार आएंगे ना, अगली बार ये बादल नहीं होने चाहिए, मैं दुआ करता हूँ भगवान जी से, ठीक है। तो मैं आपको अगली बार दिखाऊंगा, और मैं अपने पुराने वाले वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम में आया था ना, इस एरिया में बर्फ था जब यहाँ, तो मैं दो सीजन में आ गया हूँ, एक बर्फ वाले सीजन में, एक ये होली बाग वाले सीजन में, जो कि काफी प्याट हो रखा है। तो अब अगली बार आऊंगा मस्त वाले सीजन में, आने की कोशिश करूंगा। तो अब चलते हैं घर की तरफ, तो आगे आगे देखते हैं क्या हो पाता है, वो सारी चीजें आपको दिखाते रहेंगे। तो चले घर की ओर, चले डॉन। हाँ डॉन भी थक गई है बेचारी, तो सीधा चलते हैं अब काला मुनि में। अब डायरेक्ट रास्ते में तो ऐसी होली बाग है, क्या ही दिखा पाऊंगा, सीधे काला मुनि मिलता हूँ मैं आपको। तो यार दगड़ियों देख सकते हैं, यहाँ तो गुबार ही गुबार हो रखा है, तो कछाओं का गुबार है ये, तो काफी खतरनाक हो रखा है, बिल्कुल गुबार ही गुबार। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में लोग रहते हैं, देख सकते हैं आप, ये लोग रहते हैं यार दोस्तों यहाँ ना, ऐसे जंगल में, ऐसे घनघोर जंगल में, जहां न लाइट है न बिजली, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ लोग रहते हैं पापी पेट के लिए। तो दगड़ियों हम नीचे गए हुए थे मम्मी लोगों के यहाँ, वहां से हम खाना पीना खा के आ गए, और ये डॉन को देखो, ये कोई शर्म लाज नहीं हुई, घास तक नहीं छोड़ा इसने, सी डॉन, शर्म नहीं आई घास लेते हुए, बिल्कुल नहीं आई। चलो चले फिर अब घर की ओर। तो डॉन ने ले आई है घास एक पुल्ला, अब इसको पैदल ही ले जाने है घर तक, कम से कम कितने किलोमीटर, 20-25 ना, हाँ 25 किलोमीटर तुमने पैदल ले जाना, ठीक है बाबू। चलते हैं फिर अब पैदल पैदल रास्ते लगते हैं, और आपको दिखाते हैं आगे काला मुनि का मंदिर। तो दगड़ियों सामने देख सकते हैं मंदिर, ये माँ काली का मंदिर है, जिसे काला मुनि भी कहते हैं, काला मुनि मंदिर। तो दगड़ियों हम घर पहुंच गए हैं, तो वहां काफी इंजॉय किया, काफी मजा आया। तो यार दगड़ियों आज कुछ गजमज गजमज सा हो रहा है, क्योंकि तारीख के हिसाब से तो कल रक्षाबंधन है, और शास्त्रों के हिसाब से बोल रहे हैं परसों को रक्षाबंधन है। तो यार मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, रक्षाबंधन आखिर कब है, है डॉन? परसों है। तो यार दगड़ियों आने वाले रक्षाबंधन, जब भी होगा रक्षाबंधन, कि कल होगा या परसों होगा, तो आपको तहे दिल से, सभी भाई बहनों को तहे दिल से रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपना सहयोग बनाए रखें, एक अपने छोटे भाई को, जिसका भी मैं बड़ा भाई लगता हूँ, बड़े भाई को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। तो यार दगड़ियों एक बार फिर से दिल की गहराइयों से रक्षाबंधन की अनंत हार्दिक बधाइयां, और अपने भाई बहनों से ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो यार दगड़ियों बाकी क्या कहें, आज का ब्लॉग भी काफी लंबा हो गया, एंजॉय आपने पहले पहले कर ही लिया होगा, जो भी आपको मैंने मस्त से सीन वगैरह दिखा रखे ना, तो सब आपने एंजॉय किया होगा। तो दगड़ियों आज के ब्लॉग में बस इतना रखना, क्योंकि वीडियो भी अब लंबी होने को है, और क्या रखे फिर इतना, एक बार फिर आके तो बोल दो सभी को, परसों राखी कल बोल दो, आज बोलो ना, वीडियो तो कल देखेंगे लोग ना, परसों देखेंगे सुबह, तो वीडियो तो कल देखेंगे ना लोग, परसों सुबह देखेंगे ना फिर, तो कल भी तो देखेंगे, कल भी तो राखी है, कल झूठ वाला नहीं बोलते, ऐसी कंजड़ इंसान है, नहीं कसम से बोला, अभी राखी भी नहीं बोल दे रही है यार, अभी बोल दो ना, परसों से राखी है, अभी राखी तो बोलो, हैप्पी राखी तो बोलो, परसों
आज क्या हो रहा है? आज रक्षाबंधन ही नहीं है। अरे ईजा बोल राखी चाल, मतलब बोल राखी और बोल वीडियो चाल। तो राखी लगाने वाला परसों है हमारे, हम कल बोलेंगे। अच्छा ये शास्त्रों के हिसाब से चलेगी अगली बंदी। गुड, आई प्राउड ऑफ यू मेरे दोस्त। ठीक है तो यार दगड़ी आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहस हो गया, मम्मी पे डांटने पड़ लग गई है, कहीं अंदर से चप्पल आएगा मेरे कपाह में से फट करके। आ सकता है, बोला संभावनाएं है, कभी मारा होता भी संभावना। अरे यार दोस्तों संभावना कुछ भी हो सकती है, संभावनाएं। तो ठीक है दोस्तों, नदी बैग के कपाल में चल आज ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, हैप्पी राखी।